जय माता जी मित्रों, बॉम्बे एस्ट्रो साइंस एंड एनिमल केयर माथी हूँ रमेश बॉम्बे, आपनु स्वागत करू छू। आज तमने लाल किताब में कुंडली में सूर्य विषय माहिती आपूं छू के सूर्य एटले ग्रहों राजा अने मेष में उच्चनो थाय अने तुला में नीचनो थाय। सूर्य उच्चनो होय तो शू अने नीचनो होय तो शू, फल शू आपे तमने आ बताऊ। सूर्य जेने उच्चनो होय ए व्यक्ति लीडरशिपना गुणों है, एनामां दरेक काम टाइमसर करे, पिता सुख सारू, एनो काम पार करवानी क्षमता सारी एनी, ज्यां पण जाय त्यां स्पेशल बने, 16 वर्षे नॉलेज प्राप्त करे अने 22 वर्ष पछी लोको एनी सलाह ले, एटलुं एंजल नॉलेज आवे। ए जूठ्ठू बोले नहीं, जूठ्ठू सहन करे नहीं, सारू पहेरवो रहेવું ગમે, गुस्सो बहु है अने खावा पीवाना बहु शौखीन हो। सूर्य नो हो अंतिविरुद्ध, शरीर में स्टेमिना ना हो, कोई कोई जगह प्रभाव ना पाड़ी सके, कोई गणतरी में व्यक्ति ले नहीं। और सूर्य दरेक खाना हो तो शू शू उपाय कर फल आप सके। पहला खाना में हो सूर्य व्यक्ति एना फाधर पास कोई उम्मीद ना रखे, छता फाधर ने किनेरी आपने जाए अने जूना विचारों धर्मनु पालन करनारो व्यक्ति होय। घर में हेन्डपंप के गंगा जल पानी 20 लीटर राखू फायदाकारक। पछी बीजा भाव में सूर्य होय ते व्यक्तिए दान लेवू नहीं, दान लेवू एना माटे दबाई अने मंदिर माणे नारियल बदाम अवश्य दान करता रहू, ए सूर्यनो सारो बनशे। पछी तीजा स्थानमां सूर्य होय तो धननो राजा, जाते कहें अने घणी विद्या सारी होय। चौथा भाव में सूर्य होय ते माता पिता की सेवा करवानो मौको एने ओछो मळे। पछी पांचमा भाव में सूर्य होय तो बाळक पैदा थाय ने त्यांथी बरकत थाय ने, अने ए व्यक्ति पूर्व बाजु रसोई होय अने बहु उत्तम फळ आपे। पछी छठा भाव में सूर्य होय ते व्यक्तिए कूतरु पाळवू अने रातना रसोई बनी गया पछी चूलाने धीमो करी अने एने दूधथी ओळवी चूलो लो, घरमांथी मादगी दूर थशे, चंद्र नष्ट थशे अने कीड़ी ने कीड़िया बने अवश्य पूरू। पछी सातमा भावमां सूर्य होय तो गृहस्थी हालत दाम्पत्य जीवन खराब अने छूटा छेड़ा थाय थाय ने थाय। ता माटे एने व्यक्तिए तांबानो पैसोली अने स्मशाननी भूमिनी अंदर दाखवानो, त्यां कोई जीवनमां तकलीफ ना पड़े अने दरेक कार्य करे। ज्यारे पण पाणी पीए त्यारे थोड़ूक मोंमां कोई पण मीठी वस्तु नाखीने पाणी पीए, एना माटे बहु शुभ रहेशे। पछी आठमामां सूर्य होय तपस्वी राज कहेवामां आवे छे ने ए व्यक्ति पर ए व्यक्ति जारे कोई मादी व्यक्ति पास उभो ने तो एनी जान पण नहीं जाए, ले कोई मादो हो त्यारे व्यक्तिए त्यां आगळ उभुं रहेवू नहीं अने दक्षिण दरवाजा में एने मकान रहेवू नहीं, एने मौतनी सानी जीव फळ आपे। नवमा भाव में सूर्य होय तो खानदान माटे जान आपे कोई व्यक्ति होय अने अने एना जन्म पछी एना मां बापनी मंदी हालत होय ए बंद थी जाय, सारी एना लक्षणो आपे। पछी घरमां पित्तरना घड़ा व्यक्तिए राखवा, जूना होय तो पीसवानी नवा लेवी वसावे, पित्तरना वासणो बहु सारू एना माटे। दसमा भावमां सूर्य होय एटले नौकरी धंधामां कोई एने सारू होय नहीं अने ए व्यक्तिना घरमां जो पश्चिम बाजुथी सूर्यना किरणो घरमां प्रवेश करता होय ते नहीं करवाना,
એ વસ્તુ પડદો નાખી ઢાંકી એના માટે હાનિકારક છે. એટલે એના માટે એણે કરવું કે એણે કયા માટે ટોપી પહેરવી. ટોપી પહેરવી એટલે શરબતી કે વાઈટ કે પછી ખાખી એમ આ કલરની ટોપી એને કાયમ માથે રાખી એને બહુ સારું ફળ મળશે. અને કુદરત 43 દિવસ સુધી તાવાનો પૈસો માથેથી 7 વાર ઉતારી નદી નહેર કે દરિયામાં જળ પ્રવાહ કરવો. પછી 11મા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે વ્યક્તિએ શરાબ નહીં પીવાની કોઈ દિવસ. અને 12મા ભાવમાં સૂર્ય હોય તો બુધ એનો બહુ ઉત્તમ થાય અને વેપાર પણ સારા ચાલે. એને વ્યક્તિએ ઘરમાં પથ્થરની જે જૂની ઘંટી આવતી એવી નાની ઘંટી કાયમ માટે રાખવાની, ખરીદી લેવાની. અને એને કહેવાનું, માતાને કહેવાનું કે એની રોજ સાધારણ એને ધો, ખાલી પાણીથી શાશ્વત કરવાનું. અને આ વ્યક્તિએ મશીનરી કામમાં ધંધામાં પડવાનું નહીં. અને બીજું કે બારમાં સૂર્ય એટલે ઘંટી અવશ્ય રાખે, એની માતા એને ધોવે, એટલે એનું તમને ધંધા પાણીમાં બહુ બરકત આવશે. આ સૂર્યના લક્ષણો છે. નીચનો હોય તો એ વ્યક્તિએ ગોળ બદામનું દાન, ગોળ જે ઘઉં છે એનું દાન કરતા રહેવું અવશ્ય, અને વાંદરાએ પણ ગોળ ખવડાવો. અને ઊંચનો હોય તે વ્યક્તિએ ગોળ ને તાંબુ ઘઉં એનું દાન કરવું નહીં. આનાથી બીજા ઉપાય આપીશું. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આપને કોઈ પણ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખશો, હું એનો જરૂર જવાબ આપીશ. જય માતાજી.